शारदीय नवरात्र का 9 दिवसीय उत्सव इस साल 14 अक्टूबर को शुरू हुआ और यह 24 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इस 9 दिवसीय उत्सव में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। देवी को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों विभिन्न पूजन अनुष्ठान और आरती की जाती है। अधिकांश समुदाय विशेष रूप से उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन या फिर कन्या भोज आयोजित कर कन्याओं को घरों और मंदिरों में आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान उन्हें पूड़ी, खीर, चना, नारियल हलवा का भोग कराकर उपहार और दक्षिणा आदि दिया जाता है। छोटी लड़कियों को पृथ्वी पर देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में बच्चों को इंसानों का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, इसलिए लोग शुद्ध आत्मा के रूप में नौ कन्याओं की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक तो महिलाओं को ही देवी माना गया है, खास करके जितने भी देवी शक्ति हैं महिला को ही शक्ति के रूप में माना गया है। और अगर वो खास करके छोटी बच्ची हैं, जैसे 3 साल से 9 साल का विशेष महत्व है। 3 साल से ऊपर का क्यों महत्व है? क्योंकि 3 साल के अंदर में उनको ज्ञान नहीं रहता है, पूजा पाठ है, खाने पीने का, इसलिए 3 साल से थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो बैठाते हैं पूजा में। और उसके बाद में 9 साल तक 9 देवी का रूप मान करके जो उपासना करते हैं हम, जैसे 9 दिन कोई उपास है, व्रत है, उस उपासना को सिद्ध करने के लिए कन्या पूजन नवरात्रि के नवमी के दिन कन्या मन 9 कन्याओं को बैठा करके उनको आलता लगा के अपने तरफ से कुछ मतलब टीका लगा के और बढ़िया जल वल से सिंचन करके माँ भगवती का 9 देवियों का स्वरूप मानकर ही उनको पूजा किया जाता है। हम लोगों का ये मतलब मानना है कि 9 देवी उनमें वास होते हैं, क्योंकि कन्याओं में देवियों का वास होता है, इसलिए नवरात्रि में 9 दुर्गा का जैसे विशेष महत्व है, 9 देवियों का महत्व है, वैसे ही पूर्ण आहुति माने पूर्ण करने के लिए व्रत को पूर्ण जब तभी होगा जब हम, क्योंकि साक्षात देवियों को तो हम यहाँ पर मतलब बुला नहीं सकते ना, तो वो जो 9 कन्या है उसी को देवी स्वरूप मान करके, जो कि उनमें देवियों का वास होता है कन्याओं में, तो उनको बुला करके बैठा करके अपने उपवास का अपने जो व्रत है उसको संपूर्ण करने के लिए पूजन करते हैं और 9 देवियों को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।